हाँ देखिए दोस्तों, हम आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाइट ऑफ पार्पेट वॉल। जो घर में हम लोग देखते हैं जो वॉल निकले हुए जो सेफ्टी के लिए लगे रहते हैं, जिसको आम भाषा में रेलिंग कहते हैं, उसका हाइट कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। थिकनेस ऑफ डीपीसी, डीपीसी मींस होता है डैम प्रूफ कोर्स, जो प्लेट लेवल पर प्रोवाइड होता है, जिसका हाइट, जिसका थिकनेस होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच। हाइट ऑफ बिल्डिंग पर फ्लोर, 1 फ्लोर बिल्डिंग का हाइट कितना हम लोग कम से कम मिनिमम ले जाएंगे, 3.15 मीटर मिनिमम। हाइट ऑफ विंडो, हाइट ऑफ विंडो हम लोग कितना लेंगे, 2.1 मीटर। वन बैग ऑफ सीमेंट, जो एक बोरा सीमेंट का होता है वो कितना होता है, 1.25 क्यूबिक फीट या उसको 0.347 मीटर क्यूब होता है। वेट ऑफ वन सीमेंट बैग, वन सीमेंट बैग जो एक बोरा होता है वो कितना केजी का होता है, 50 केजी यानी 50 केजी। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब जो होगा, जो ऊपर रूफ होता है उसी को हम लोग स्लैब कहते हैं, जिसका थिकनेस 125 mm होना चाहिए। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने सीमेंट का बैग होगा, 28.8 बैग्स होता है। लिंटेल थिकनेस, जो लिंटेल देख रहे हैं ये ऊपर जो दिया हुआ है इसी को हम लोग लिंटेल कहते हैं, लिंटेल का इसका थिकनेस 15 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, जो हम दर्शाएं फिगर में। लिंटेल इज प्रोवाइडेड एट 2.4 मीटर इन केस ऑफ ब्रिक वॉल, जो हम लोग दीवार देते हैं ब्रिक वॉल, वो प्लिंथ लेवल नीचे से हम लोग 2.4 मीटर के हाइट से लिंटेल प्रोवाइड करते हैं। और जो हमने बताया था 2.1 मीटर विंडो का हाइट होना चाहिए, जो फिगर के थ्रू हमने आपको बताया है। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन स्लैब। जो स्लैब में मिनिमम डाया का बार यूज होता है उसका 8 mm होना चाहिए डाया, कम से कम मिनिमम डाया। बार यूज इन कॉलम, कॉलम में जो यूज होता है उसे 12 mm होना चाहिए। और डॉवेल बार्स, डॉवेल बार्स का कितना मिनिमम डाया होना चाहिए, 12 mm, जो स्लैब को एक्सपेंड करते हैं। मैक्सिमम डाया ए बार यूज इन स्लैब, कितना मैक्सिमम बार यूज इन होगा स्लैब में यूज होगा, उसका एक फार्मूला होता है जो 1/8 × थिकनेस ऑफ स्लैब। हमने थिकनेस लिया एग्जाम्पल के तौर पर 200/8, तो हम मेरा आ गया 25 थिकनेस होना चाहिए स्लैब का। हाँ दोस्तों, अब आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग। जो डिस्टेंस होता है रेनफोर्समेंट का वो 1 मीटर होना चाहिए। ये जो है हमने फिगर के थ्रू दर्शाया है, जिसको मेन बार कहते हैं, ये मेन मेन बार है। आया क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, डायमेंशन टॉलरेंस ऑफ क्यूब। इसका क्यूब जो डायमेंशन टॉलरेंस का होता है वो हमने फिगर बताया है, 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर, जो प्लस माइनस 2 mm होना चाहिए।
इसका जो हम लोग दो ज़्यादा भी ले सकते हैं 152 x 152 x 150 या 2 माइनस कर 148 x 148 x 148 जिसको टॉलरेंस हम लोग कहते हैं। इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट ब्रिक का कितना होना चाहिए, उसके ड्राई वेट का 15% होना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम यानी स्टार्टिंग पॉइंट, जो सीमेंट का सेटिंग टाइम होता है स्टार्टिंग में वो 30 मिनट होना चाहिए। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का कितना होना चाहिए, 10 आवर्स, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी में यूज होता है। फिर डीपीआर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जो कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटिंग में हम लोग यूज करते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फिर यूनिट वेट हम लोग देखते हैं, आरसीसी का कितना यूनिट वेट होना चाहिए, 25 kN/m³। पीसीसी का, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी मींस रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, इसका 24 kN/m³ होता है। स्टील का 7850 kg/m³ यानी 28.5 kN/m³ होता है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 1 गैलन इक्वल टू कितना होगा, 3.7 लीटर्स। गैलन मीन्स क्या होगा, गैलन मीन्स जो हम लोग पेंट यूज होता है दीवार में, उसमें हम लोग गैलन के थ्रू, जो दुकान पर आप लोग जाइएगा तो गैलन से मेजर कर देंगे, तो उसे लीटर के थ्रू कैसे मेजर करेंगे, तो 1 गैलन में 3.78 लीटर्स होगा। जितना गैलन देंगे उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतने के लिए धन्यवाद। अब अच्छा मेरा चैनल लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे इसी तरह मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा टेक्निकल टर्म्स के थ्रू। जय हिंद, जय भारत।